अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्सेल के डेटा जो होता है, हमारे पास एक टेबल का जो डेटा होता है उसके अंदर अगर एम्प्टी रॉज हैं या ब्लैंक रॉज हैं तो उसको हम किस तरीके से जो है एक साथ फाइंड करके और रिमूव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है। अच्छा, ये जो मैंने अभी इसमें कमेंट्स में लिखा हुआ है जिसमें मैंने टेक्स्ट और डेट को जो एक साथ कॉन्केटिनेट किया है, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, उससे अगर आप चाहें तो किस तरीके से करते हैं या इसका फार्मूला किस तरह से यूज़ होगा तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको समझ आ जाएगा ये। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ रॉज हैं एम्प्टी हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसको रिमूव करना है तो हम किस तरीके से इनको जो है एक साथ रिमूव करेंगे। एक तरीका तो ये कि सिंपल आप इनको इस तरह से सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखें, इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर टेबल बहुत बड़ा है आपका और आपको नहीं पता कि कहाँ 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 पर जो है वो एम्प्टी रॉज हैं, तो आपको जो है इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी उसको सर्च करने में। तो उसका जो एक शॉर्टकट है वो क्या है कि आप इस टेबल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कंट्रोल जी प्रेस करें और कंट्रोल जी के बाद स्पेशल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लैंक का ऑप्शन है, आप इसको ब्लैंक को सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो खुद ही से आपके टेबल में फाइंड आउट कर लेगा कि आपकी कितनी रॉज जो हैं वो ब्लैंक है और उन सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपको वन बाय वन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप सिंपल कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपकी जो ब्लैंक रॉज थी वो सारी खत्म हो गई हैं। तो आपके टेबल में भले जितनी भी हों, 1000 2000 3000 जितनी भी हों और जितना भी लंबा आपका डेटा हो, उन सब में जो है वो एम्प्टी रॉज को फाइंड करेगा और आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो उसके बाद ये इसको रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से ईजी तरीके से जो है आप ब्लैंक रॉज को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल माइक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।